तो भाई मुझे कुछ क्यूरीज आई हैं जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप म्यूज़िक कहाँ से लेते हैं। तो मैं जो है इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करता हूँ आज। तो लेट्स बिगिन। तो भाई ये तीनों टॉपिक जो हैं, ये तीनों अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बनाने वाले टॉपिक हैं, और मैं जो है तीनों वीडियोस में कोशिश करूँगा कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ जितना मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं जो है अपना इक्विपमेंट एक्सप्लेन करूँगा, मैं कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ, मेरा सेटअप क्या है, मेरा कैमरा क्या है। तो भाई रिगार्डिंग कैमरा एंड सेटअप इक्विपमेंट, हर क्रिएटर का, हर बंदे का अपना एक प्रेफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे वो कैमरा, कौन सा लेंस उसको पसंद है, कौन सा सेटअप उसको ज़्यादा पसंद है, कौन सी लाइटिंग उसको चाहिए है, हर बंदे का अपना एक अलग प्रेफरेंस होता है। तो मेरा जो स्टाइल है, जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो ये है कि जितना छोटे से छोटा इक्विपमेंट हो उसमें मुझे जितना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। जिसका एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है जिसको आप रन एंड गन स्टाइल कहते हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा फीजेबल है कि छोटा सा इक्विपमेंट हो, मैं उसको जहाँ भी चाहूँ आराम से कैरी कर सकूँ, पॉकेट साइज़ हो, उसको मैं आराम से कहीं भी कैरी कर सकूँ और उसमें मुझे अच्छे से अच्छा जितना रिज़ल्ट मिल सकता है मिल जाए। तो इसके लिए आपको मार्केट में काफ़ी कैमराज मिल जाएंगे, जो आजकल काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको जो है पॉकेट साइज़ जो है स्मॉल साइज़ कैमराज आपको मिल जाते हैं, जो आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। उनमें आपको कुछ कंपनीज़ के मैं नेम बता देता हूँ, जिसमें मेनली दो हाईलाइटेड कंपनीज़ हैं, जिसमें GoPro है, DJI है, इनके आपको जो है पॉकेट साइज़ कैमराज मिल जाएंगे जो आप कहीं भी आराम से शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है DJI पॉकेट Osmo 2, जिस पे ये वीडियो शूट हो रही है। ये एक गिम्बल कैमरा है और इस पे जो है आसानी से 4K तक वीडियो शूट हो जाती है, 120 फ्रेम्स में आराम से 4K तक वीडियो शूट हो जाती है। तो मेरे लिए ये जो है बेहतरीन कैमरा है और मैं इसको कहीं भी आराम से कहीं भी कैरी कर लेता हूँ, और इसका जो है पॉकेट में ये कैमरा जो है फिट हो जाता है। इसमें मुझे ज़्यादा कोई इक्विपमेंट ज़्यादा साथ कैरी करने की, बैग साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए ये कैमरा बेहतरीन है, और इसमें जो है गिम्बल है, गिम्बल कैमरा है, तो स्टेबलाइज फुटेज का भी कोई इशू नहीं है, मुझे कोई अलग से लेंस नहीं ख़रीदना पड़ता फुटेज स्टेबलाइज करने के लिए। तो मेरे लिए ये बेहतरीन कैमरा है। उसके अलावा एक अदर ट्राईपॉड, जब भी आप कोई स्टेडी शॉट, स्टेबल शॉट लेते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर आपका कैमरा जो है एक स्टेडी फोकस, स्टेडी पोज में होता है, और आप जो है उस पर, जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको एक ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा है एक एक्सटर्नल ऑडियो माइक, जिस पे जो है आपको ज़रूरत पड़ती है माइक, क्लियर माइक ऑडियो के लिए। विद इन कैमरा भी माइक है, पर उस पे इतना क्लियर ऑडियो आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक एक्सटर्नल माइक है। तो ये है मेरा सेटअप इक्विपमेंट का। उसके अलावा कभी कभार मैं मोबाइल पर भी वीडियो शूट कर लेता हूँ। मोबाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है रेडमी नोट 8। इस पे जो है 4K तक वीडियो शूट हो जाती है 60 फ्रेम पर सेकंड पर, थोड़ी जो है इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल कैमरा और प्रोफेशनल कैमरा में फ़र्क होता है इनके लेंस में। तो इमेज क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पर काम चल जाता है। तो ये है मेरा सेटअप जिस पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। और मेरे ख्याल से आपका इक्विपमेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक हद तक। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो आप जितना आपके पास इक्विपमेंट है आप उस पर शूट कर सकते हैं, पर विद इन टाइम आई गेस के आपको थोड़ा अपग्रेड कर लेना चाहिए अगर आप बेटर क्वालिटी चाहते हैं अपने काम में। तो ये था मेरा सेटअप। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और मेरा एडिटिंग प्रोसेस क्या है। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। उमरो यार आउट।